हेलो गाइस, मैं हूँ डिंपल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट वन का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का, ये 7th नोट्स है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बाकी नोट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट या चैनल के पेज में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना नोट्स देखा हुआ है ओवरलैपिंग का, मतलब अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्योंकि बस वही आप लोगों को पढ़ना है जो ओवरलैपिंग में होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या कहा जा रहा है। यह माना गया है कि बॉन्ड का निर्माण तब होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को विथ स्ट्रक्चर समझाऊंगी, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि जब बॉन्ड का निर्माण तब होता है जब दूर स्थित कोई ऐसे दो ऑर्बिटल जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे देख रहे हो ऑर्बिटल है, मतलब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब ये परमाणु ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है और उनका चक्रण जो है वो विपरीत डायरेक्शन में हो, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो चक्रण है, मतलब जो स्पिन आप कह सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। वही कहा जा रहा है उनका चक्रण विपरीत डायरेक्शन में हो। जब एक दूसरे के निकट आते हैं, मतलब जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग हो जाता है, मतलब अतिव्यापन हो जाता है। अतिव्यापन वाला वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, वो भी आप देख सकते हो कि ओवरलैपिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो आप लोग बस यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यह माना गया है कि बॉन्ड का निर्माण, मतलब बंध का निर्माण तब होता है जब दूर स्थित कोई ऐसे दो ऑर्बिटल जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और उनका चक्रण विपरीत डायरेक्शन में हो। तो जब ऐसे एक दूसरे के निकट आते हैं और ओवरलैपिंग हो जाता है, तो यही जो प्रोसेस है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बॉन्ड बनता है। फिर क्या होगा, ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे, मतलब आणविक कक्षक जिसे आप कहते हो मॉलिकुलर ऑर्बिटल। खैर मैं आप लोगों को थ्योरी जो है वो बाद में बताऊंगी, बस आप लोग यहाँ पे ये समझिएगा कि दो ऑर्बिटल आपस में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं और वहां पे जो है वो बॉन्ड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, बंध का बनना। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जरूरी नहीं कि एस एस ऑर्बिटल ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं है, पी ऑर्बिटल भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। बॉन्ड का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब परमाणु ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से होता है। यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, मतलब परमाणु ऑर्बिटल। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं, मतलब जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिल करके आपस में जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं दो एटम्स, मतलब दो परमाणु के सहसंयोजक बंध का निर्माण, मतलब वैलेंस बॉन्ड का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर दिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब आधे जो ऑर्बिटल होंगे वो आधे भरे हुए होने चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। देन थर्ड है ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ओवरलैपिंग हो रहे हैं जो ऑर्बिटल वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाना मतलब एक दूसरे में समाना स्टार्ट कर देते हैं। ओवरलैप्ड होने वाले ऑर्बिटल तभी स्थायी बॉन्ड मतलब परमानेंट बॉन्ड बनाते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी स्थायी बंध बनेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तो स्थायी बंध नहीं बनेगा। बेसिकली क्या होता है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो उनके मैग्नेटिक जो इफेक्ट रहते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब उससे वो कम कर देते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद, और वो एक दूसरे से अच्छी तरीके से एकदम अट्रैक्ट होकर के एक मजबूत बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एकदम स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण जो है वो विपरीत दिशा में होने चाहिए, तभी वो अच्छे से अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, मतलब आप लोग ये समझिए कि स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होगा यहाँ पे बीच में जो है वो ज्यादा होता है,
सहजगता वन सिद्धांत के अनुसार ये भी पॉइंट है। वैसे तो और भी पॉइंट्स हैं, बट ऑर्गेनिक के मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी और भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं आप लोगों को इंक्लूड नहीं की हूँ क्योंकि नोट्स बहुत बड़ा हो जाता। इसके अलावा अगर आप लोगों को अतिव्यापन देखना है, ओवरलैपिंग देखना है, क्योंकि इसके बाद आप ओवरलैपिंग का टॉपिक लिख सकते हो अगर आप लोगों को नोट्स ज़्यादा करना है तो वो वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद हम कार्बन की चतुसंयोजकता पढ़ेंगे, मतलब टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसकी संयोजकता जो चार कैसे होती है। तो ये सारा चीज वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।